सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ISI ने अपने उत्पाद रजिस्टर्ड कराने के निर्देश TL बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टेंडर प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखा जाए कि ISI रजिस्टर्ड वस्तुएं ही क्रय की जाएं। समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो में रजिस्टर्ड कराएं, साथ ही सरकारी टेंडरों में भी सिर्फ ISI मार्क वस्तुएं ही खरीदी जाएं। जिन्हें TL मीटिंग में एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ना इंस्टीट्यूट से आए थे, एक ISI है, जैसे हमारे कितने भी ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसको ISI ना स्टैंडर्ड्स पे ना करना है, ISI में रजिस्ट्रेशन करके उसको लेना है। उसको लेकर एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया था। सभी विभाग के अधिकारियों को भी यही कहा है कि कितने भी ना टेंडर प्रक्रिया है, अभी मध्य प्रदेश शासन के निर्देश प्राप्त होने के बाद, तो उसमें ISI ना रिलेटेड आइटम्स, ISI ना रजिस्टर्ड आइटम्स है ना लेने के लिए भी ना डायरेक्शंस दिए हैं। इसके साथ साथ है ना GMDIC से कोऑर्डिनेट करके हमारे कितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें ISI ना स्टैंडर्ड के साथ ना मैन्युफैक्चरिंग हो, सो दैट एटली उनका है ना उपयोग है ना मार्केटिंग है ना वाउचर से हो सके, उसके लेकर ना प्रशिक्षण देने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। बैठक में CM हेल्पलाइन, संबल योजना, आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अभी संबल योजना और कर्मकार कल्याण मंडल का अनुग्रह सहायता राशि है पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा है ना उनकी खाता में डायरेक्ट है ना ट्रांसफर किया गया था। उन सभी बेनिफिशियरी को 1x1 कॉल करके उनका अवगत कराया जाए कि मतलब आपके खाते में पैसा आ गया, वो चेक करें। उन शिकायतों को भी निराकरण करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान है, उसमें लगभग हमारी 2.5 लाख अप्लीकेशन से ना प्राप्त हुई है, उसमें हमको है ना 2 लाख अप्लीकेशन के आसपास है ना उसको निराकरण हुआ है, और भी 50,000 अप्लीकेशन पेंडिंग है। इस सप्ताह में प्राथमिकता क्रम में प्रायोरिटी पे सभी एप्लीकेशंस को निराकरण करने के लिए कहा गया। समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश दिए। पशुपालन के लिए बनाए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड में 2,700 आवेदन अभी भी पेंडिंग है।